सत श्री अकाल जी सारे वेलकम टू रमन सैग चैनल। जे तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। मैं नोवा स्कोशिया च रहनी हाँ, सारी जगह ते टोरंटो, कैलगरी, वैनकूवर, इन्हां सारी जगह ते जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा चल रहा अपना स्टडी परमिट दा या स्टडी वीज़ा दा वो बिल्कुल अलग है नोवा स्कोशिया नालों। ये गल किसी ने भी शेयर नहीं की, सो मैं सोचा कि मैं इस ते एक वीडियो बनावां। मैनूं लगदा है कि बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भुल्यो। सो चलो जी वीडियो नूं शुरू करते हैं। इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसूँगी कि स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा जिहड़ा हैगा वो बिना आईलेट्स तो भी मिल सकता है या नहीं। इहदा आंसर हैगा मिल सकता है। ये मैनूं पता कई लोगों नूं लगूगा कि ये फेक है या कुछ भी है। जो मैं तुहानूं पहला बेसिक दस दिन्नी आं कि ये जिहड़ा मैं गल कर रही हाँ, ये पर्टिकुलर यूनीवर्सिटी की गल कर रही हाँ। एक नोवा स्कोशिया दे विच यूनीवर्सिटी है जिहड़ी बिना आईलेट्स तो जिहड़ी स्टडी वीज़ा तुहानूं ऑफर करदी है, बट एक कंडीशन आउंदी। बट उस तो पहला असीं गल करांगे कि जिहड़े हुण रूल्स ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਰੂਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਡੀਐਲਆਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ दैन वो बहुत वधिया, तुहानूं वीज़ा भी आ जाऊगा, सब सारा कुछ सही है। बट जे तुहाडे एक चो 5.5 आ जाते हैं तो वो इमीग्रेशन जिहड़ा ऑफिसर हुंदा उहदे ते डिपेंड करदा भी तुहानूं वीज़ा देवे या ना देवे। जे उहदे विच किहो जिहियां सिचुएशनस बन सकदियां, प्रॉब्लम्स आ सकदियां। सच्चाई ये है कि तुहानूं एटलीस्ट 6 बैंड ईच होने चाहिए है। 5.5 बैंड आंदे तुहाडे किसी भी एक मॉड्यूल दे विचों। तुहानूं इस बैटर कि तुसीं अपना जिहड़ा इंग्लिश दा जिहड़ा आईलेट्स स्कोर है उहनूं इंप्रूव कर लो प्लीज़, ते फिर आप वीज़ा लगवाओ। जे तुसीं वैनकूवर, एलबर्टा या टोरंटो वर्गे जगह विच जा रहे हो या मॉन्ट्रियल जा रहे हो, क्यूबैक। पर जिहड़े मैं गल कर रही हूँ, मैं नोवा स्कोशिया की गल कर रही हूँ। तो मैं नोवा स्कोशिया दे विच डेल यूनीवर्सिटी, जिन्हों की डलहौजी यूनीवर्सिटी भी कह दिंदे आ, उहदी गल कर रही हूँ। एक इदां दी यूनीवर्सिटी है जिहदे विच तुहानूं बिना आईलेट्स तो भी तुसीं स्टडी वीज़ा लगवा सकदे हो। ते इह जिहड़ी यूनीवर्सिटी है तुसीं विकीपीडिया ते भी सर्च कर सकदे हो। 200 साल पुरानी यूनीवर्सिटी है। इहदे काफ़ी कैंपस ने, पूरे हैलीफैक्स दे विच इहदे काफ़ी कैंपस ने। टोरंटो एक सिटी है, उहदे विच भी दे कैंपस ने। ते बहुत अच्छी यूनीवर्सिटी है। जे तुहानूं पहली गल तां इहदा यूनीवर्सिटी दा ऑफर लैटर लैना ही बहुत औखा है, पर जे तुहानूं ऑफर लैटर आ जांदा है ना, तुहाडे वीज़ा दी गारंटी है। मतलब तुहानूं तुहाडा वीज़ा डिक्लाइन नहीं हुंदा। ईवन कई आपां नूं कालेजेस दा ही हुंदा, जिवें टोरंटो वगैरह च हुंदा, आपां नूं ऑफर लैटर आ गया, फिर आपां वीज़ा अप्लाई करता, पर कई बार अपना वीज़ा कैंसल भी हो जांदा है। बट इस यूनीवर्सिटी दा इह है कि तुहाडा जे तुहानूं ऑफर लैटर आ गया, दैट मीनस तुहानूं 100% जिहड़ा हैगा वीज़ा मिलूगा, स्टडी वीज़ा। मतलब इन्नी ज़्यादा गारंटी है। पर जिहड़ी ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ 5.5 ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ इंग्लिश मीडियम नहीं हैगा दैन तुसी आईलैट्स दा स्कोर दिखा सकते हो। फिर तुहानूं वीज़ा, तुहानूं ऑफर लैटर, जिहड़ा तुहानूं ऑफर लैटर मिलदा ओह तुहाडी परफॉर्मेंस दे बेस ते मिलदा है। तुहानूं ऑफर लैटर लई तुहानूं एटलीस्ट तुहाडे 75% मार्क्स होने चाहिए है। 12th दे विच्चों या 10th दे विच्चों तुहाडे ओवरऑल 75% मार्क्स होने चाहिए है, जां उस तो ज़्यादा 75% तो मार्क्स घट नहीं होने चाहिए। इह दी रिक्वायरमेंट है। जे तुहाडा इंग्लिश मीडियम है तां तुसी बिना आईलैट्स तो ऑफर लैटर लई अप्लाई कर सकदे हो। तुहाडा ऑफर लैटर ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਟੋਰੰਟੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा कैंसल हो गया या थोड़ा भुल गए हो। ये थोड़ा लग गया तो 3-4 महीने थोड़ा वेट करन ही लग जाएंगे। बट थोड़ा ईमेल वो कर देंगे भी इन्ना टाइम लगूगा प्रोसैस करन दे विच डॉकूमेंट्स। सो सब तो पहला तुसी अपने जो तुसी अपलाई करदे हो, तुसी अपने सारे डॉकूमेंट जिहड़े हैगे आ 12th दे, 10th दे, डिग्री जे तुसी कीती हुई आ ओहदे सारे, जे तुसी डिग्री कीती हुई है तो उस कॉलेज तो तुहाडे सारे सर्टिफिकेट जिहड़े आ स्टैंप लगवा के एनवलप दे विच पा के मेल कीती सीगी यूनीवर्सिटी नूं, चिट्ठी भेजी सीगी। ओहदे विच मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट, अपनी असैसमेंट हुंदी है डॉकूमेंट्स की, सारे सर्टिफिकेट की असैसमेंट हुंदी है। तुहाडी जिहड़ी डिग्री इंडिया दे विच कीती हुई है या तुसीं जिहड़ी भी स्टडी कीती हुई है इंडिया दे विच ओह इधर किन्नी वैल्यू रखदी आ। तुहाडा नेक्स्ट स्टैप आ जांदा है जिहड़े भी कोर्स लई तुसीं अपलाई करना चाहुंदे हो, फिर तुहानूं थोड़ा टाइम वेट करनी पैंदी है 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, तो थोड़ा खर्चा काफ़ी घट जाता है। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, तो बच्चे पढ़ के जाते हैं, वो बड़े वधिया वधिया जगह पर लगे हुए हैं। जे तुसीं यूनीवर्सिटी दे विच नोवा स्कोशिया दे विच आना चाहुंदे हो तो डलहौजी यूनीवर्सिटी दे विच अपलाई करके देखो। मैं आई नहीं कहती कल्ली यूनीवर्सिटी च अपलाई करो, सारे किते अपलाई करो जिथे भी तुहाडा दिल करदा है। एक कॉलेज या यूनीवर्सिटी ते कदे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुहाडा ओहदे नाल टाइम वेस्ट हुंदा है, तुहानूं पता नहीं तुहाडा लक तुहानूं कित्थे लै जे। सो ट्राई सारे जगह करो, नोवा स्कोशिया जाके बड़ा वधिया लगूगा। जो तुसीं होर वीडियोज़ देखनी है तो भी मेरियां काफ़ी वीडियोज़ मैं पा चुकी हैं इदों पहला नोवा स्कोशिया बारे, जे तुहानूं ओह वेख के भी कोई होर सवाल है तो मैनूं तुसीं पूछ सकदे हो, तो मैं तुहानूं अगली वीडियो दे विच ओह कवर करूँगी कि जिन्नियां भी यूनीवर्सिटीज़ ने टोरंटो दे विच हो गया या वैनकूवर दे विच हो गया, तुहानूं एटलीस्ट 7 बैंड होने चाहिए ईच मॉड्यूल दे विचों। जे तुहाडे 8 बैंड है हरेक मॉड्यूल दे विचों तो बहुत वधिया गल है, बट एटलीस्ट 7 बैंड होने चाहिए हरेक मॉड्यूल चो। सो जिहड़ी ये यूनीवर्सिटी काफ़ी हंबल है, तुहानूं ये इन्ना जज नहीं करदे, इत्थे लोग घट ने। सो उन्होंने आए हैं कि बच्चे आउण इत्थे है ना, जे तुहानूं मौका नहीं मिल रहा टोरंटो वगैरह जाण दा, तुसीं हैलीफैक्स नोवा स्कोशिया जी डलहौजी यूनीवर्सिटी अपलाई कर सकते हो। उन्होंने वैबसाइट हैगी dal.ca, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन च लिख दूँगी। जे तुहानूं किसी होर दा सवाल होया मैनूं पूछना ना भुल्लिओ, ते मैं तुहानूं अगली वीडियो च मिलदी आं। जे तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलो। सत श्री अकाल जी।